यदि आप ओसीडी से सफर कर रहे हैं तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन एक ना एक बार जरूर आया होगा कि जब मुझे ऑब्सेशंस यानी कि वो नेगेटिव डरावने थॉट चारों तरफ से घेर लेते हैं और मुझे कंपल्शन करने का मन करता है, उस वक्त मैं इससे कैसे बचूं? मुझे बहुत परेशानी होती है, मुझे बहुत डिस्ट्रेस होता है, मेरी घबराहट बढ़ जाती है। तो इसका आंसर मैं आपको चंद शब्दों में दे देता हूँ। नंबर वन, थॉट से बचना नहीं है, थॉट से बचना इम्पॉसिबल है, तो अपना ऑब्जेक्टिव बदलिए। इस बात को याद रखिए कि हम थॉट से भागना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है ये थॉट ओसीडी का है, आपका थॉट ओसीडी का है। इसका सबूत ये है कि आपको ये थॉट पहली बार नहीं आ रहा है, ये रेपिटेटिव थॉट है, कई बार आप इसका सामना कर चुके हैं, कई बार ये आया है, कई बार आपको घबराहट बेचैनी दी है और आप जानते हो कि हर बार आपने सर्वाइव किया है। नंबर टू, जब भी आपको ये थॉट आए, पहला आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानिए कि ये ओसीडी का थीम है, ओसीडी का थॉट है, क्योंकि मुझे हर बार आता है तो मुझे पता है, मैं इसको जानता हूं, मैं इससे फेमिलियर हूं। आइडेंटिफाई करने के बाद आप पॉज करिए। पॉज क्यों करिए, क्यों रुकिए? क्योंकि उस मोमेंट में, उस पल में अगर आप रुक जाएंगे तो आपको एक मौका मिलेगा टू चूज योर राइट डायरेक्शन। क्योंकि आप चलते रहते हो, क्योंकि आप बेचैन रहते हो, इधर उधर भागते रहते हो, सोल्यूशन खोजते रहते हो, तो इसीलिए आपके पीछे पीछे ये थॉट दौड़ता रहता है। आप बस रुक जाइए और इमेजिन कीजिए कि आपके आगे दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ओसीडी का लूप, ये वो रास्ता है जिसमें आप चले जाते हो, ओसीडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, ऑब्सेशन के लिए कंपल्शन करते हो या उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हो। ये रास्ता आप हमेशा अपनाते आए हो, इसी वजह से आपका ओसीडी बढ़ गया है, तो इस रास्ते पे जाना नहीं है आपको। एक और रास्ता अपने सामने देखिए, ये रास्ता है रिकवरी रोड। इसके ऊपर आप कोई भी सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करते हो, आइडेंटिफाई करने के बाद ओसीडी को, ओसीडी के ऑब्सेशन को ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हो, उसको अनसेटिस्फाइड रहने देते हो और इस वैक्यूम वाली फीलिंग को कुछ देर तक बेयर करते हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ देर जरूर ये थोड़ी पीड़ा देगी, थोड़ा पेन देगी, लेकिन यही रिकवरी रोड आपको इससे अल्टीमेटली, इस चक्रव्यूह से, इस लूप से बाहर निकाल देगा। यही रास्ता है आपके लिए सही रास्ता। तो इस मोमेंट में अगर आप आइडेंटिफाई करने के बाद पॉज कर लेते हो तो आपके पास चॉइस होगी, चॉइस ऑफ चूजिंग द राइट पाथ। एंड नंबर थ्री, रीसेट टू द प्रेजेंट, यानी कि रीसेट करिए अपने ब्रेन को। अपने आप को पॉज किया, उसके बाद अपने ब्रेन को बताइए कि वापस यहाँ पे आना है, इन दिस मोमेंट, इन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट। इसको माइंडफुलनेस भी कहते हैं या ग्राउंडिंग भी कहते हैं। किसी भी टेक्निक का यूज करिए, एक सिंपल टेक्निक मैं बता देता हूँ आपको। डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स अराउंड यू इन दिस मोमेंट, कि आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग इन माई क्लिनिक, देयर इज अ फोटो बिहाइंड मी, देयर इज अ कैलेंडर बिहाइंड मी, देयर इज अ विंडो बिहाइंड मी, I am looking at my phone and my phone is on the table. Describe each and everything around you, or maybe just spot 5 to 10 red objects around you. ये चीज़ करके आप grounding कर सकते हैं। Breathing भी एक अच्छा तरीका है कि कुछ देर focus breathing की जाए slowly. इसके बाद आप अपने आप को वापस से आगे बढ़ाइए, next task पर move करिए। जितनी बार आप इसको practice करोगे उतनी बार आपका identify, pause, reset in the present moment and moving on वाला structure, formula आपके साथ उतना ही मजबूती से आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा और आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि ये थॉट आ गया तो आप करोगे क्या। आपके पास ये टूल है, मैं ये टूल आपको दे रहा हूं, कैसे यूज करना है आपके ऊपर है। ज्यादा मदद चाहते हैं तो हमें डीएम करिए, आई विल हेल्प यू इन ओवरकमिंग योर एंग्जायटी एंड ऑब्सेसिव डिसऑर्डर्स।